हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। एक तरफ तो किसानों के आंदोलन के दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब किसानों ने खुलकर सरकार का विरोध शुरू कर दिया है। अविश्वास प्रस्ताव के गिरने के बाद किसानों ने अब विधायकों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, मोर्चा बुलंद कर दिया है। कृषि कानून और किसानों के मुद्दे पर हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस के लाए गए अविश्वास प्रस्ताव गिरने से सरकार के खिलाफ किसानों में रोष बढ़ता जा रहा है। हांसी के नजदीक दिल्ली हिसार हाईवे पर रामायण टोल प्लाजा पर हांसी से बीजेपी विधायक विनोद भयाना और बरवाला से जेजेपी विधायक जोगीराम सिहाग का पुतला फूंका गया। किसानों ने कहा कि अब हर रोज दो विधायकों का पुतला फूंका जाएगा और विधायकों को किसी भी गाँव में नहीं घुसने दिया जाएगा। आज हमने दो विधायकों का पुतला जलाने का काम कराया है। इस टोल पर हर रोज दो विधायकों का पुतला जलाया जाएगा। 55 विधायकों ने किसानों के विरुद्ध वोट दिया है, न कि बीजेपी सरकार के विरुद्ध। सभी 55 के 55 विधायकों का पुतला जलाया जाएगा और यहाँ शपथ ली जाएगी कि इन विधायकों को किसी भी गांव में नहीं घुसने देंगे और हम इनको कभी भी पूरे जीवन भर वोट नहीं देने का काम करेंगे। आज उन्होंने किसानों के बच्चों के पेट पे लात मारी है, ये मत सोचो कि उन्होंने अपना एक वोट कौन दिया किसी दूसरी पार्टी को, ना, आज उन्होंने किसानों के बच्चों के पेट पे लात मारी है। अगर अपना वोट वो इनके खिलाफ डालते बीजेपी के, तो आज बीजेपी की सरकार नहीं होती। इसका सबसे बड़ा दोषी अगर कोई है तो दुष्यंत चौटाला है। आज जेजेपी अगर उनके खिलाफ होती, जेजेपी के विधायक उनके खिलाफ वोट डालते, तो 100% सरकार खट्टर साहब की गिर जाती। महिला किसानों ने भी सरकार के खिलाफ भारी रोष जताया। क्यों 55 विधायक सा हमने बनाए और वे जाके मोदी खट्टर ने कहा हम तुम्हारे लायक सा, तो किसाना का क्यों को नहीं होए? उन्होंने देखा तो किसाना का बैठ जोगे तम तरफ गिर जोगे तमें ऊपर को नहीं हो गए। फिर हमारे बना ऑर्डर मारे ही तुम्हें कौन लग गए, मारे के लग दे रहे, मारे लग दे कुछ भी कह दियो जाके उन्हें। हम जिंदगी में ना ब्याह में ना शाम ना कान में मुकान में हमने काटा मार दिया, हम कदे भी उन्हें बढ़न नहीं देंगे और दो दो आके रोज पुतले फूकांगे। न्यू बता मारे बना ऑर्डर मारे खिलाफ उनका दौर जाके बोले हम तारे का नहीं हाँ, या कौन सी बात 55 विधायक लड़के मार तो 32 सीट हुई है, ये भी हमारे साथ लग जाए तो बीजेपी सरकार या क्या कर से हमारा कुछ भी कौन बिगाड़ सकती। इन न्यू कह दियो तो हमने जिंदगी भर कदे बढ़न नहीं जाएंगे गाँव में। किसानों का कहना है कि अब हर रोज दो विधायकों के पुतले रामायण टोल प्लाजा पर फूंके जाएंगे, हिसार जिले के किसी भी गांव में सरकार के विधायकों और मंत्रियों को नहीं घुसने दिया जाएगा। किसानों का कहना है कि पहले तो बड़े प्रोग्राम में आने पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन अब किसी के शादी समारोह में दुख की घड़ी में शामिल होने पर भी पाबंदी लगाई जाती है। इन्हें हमारा यही रहेगा, हिसार जिले में कहीं भी इनका प्रोग्राम होगा हम उसी का बहिष्कार करेंगे। अब लग तो इनका इस जो प्रोग्राम था मुकायण कायण का ये कल्या कर दी बिनती व्यायाम भी कौन बढ़न दिया हमें। जो भाई मेरी तो शब्द है एक राय हिंदी व्यायाम कायण मुकायण में बुलाओ ना इनका सामाजिक बहिष्कार करो। किसानों के आंदोलन को 109 दिन हो चुके हैं, लेकिन किसान कृषि कानूनों को लेकर लगातार दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं। देखने वाली बात यह है कि इस आंदोलन का अंत कब होगा। हरियाणा न्यूज के लिए हांसी से।